felt special because ऐसा ड्रीम होता है हर एक लड़की की लाइफ में ड्रीम होता है कि तुम उठो एंड शायद ये सब क्या है? चला भी नहीं जा तुम कह रही थी ना ईशानी तुम्हें ऐसा पति चाहिए जो तुम्हें बिल्कुल वैसे प्यार करे जैसे तुम्हारे पापा उससे करते। देख लो रोमांस के मामले में तो चिराग तुम्हारे पापा से भी दो कदम आगे है। अब जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ। तू राइट पे। अरे ये सब क्या है? चिराग ने भेजा। आई मीन गुड मॉर्निंग। ईशानी कहाँ है? हमारे यहाँ एंगेजमेंट के दिन लड़का लड़की का एक दूसरे से बात करना अब शकुन माना जाता है, इसलिए जो भी बात करनी है शाम को कर लेना, ठीक है? आंटी पर वो प्लीज इतना तो बता दीजिए कि ईशानी को मेरे गिफ्ट्स पसंद आए या नहीं। ऑफ कोर्स पसंद आए। शी लव्ड इट। सी यू इन द इवनिंग। बाय। जल्दी से तैयार होकर नीचे आता हूँ। आपने रणवीर को देखा? फोन भी नहीं उठा रहा है। कहाँ है? रणवीर मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा है। मेरी एंगेजमेंट का डे है एंड रणवीर गायब है एंड मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ बिकॉज एक बेस्ट फ्रेंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इतने हैप्पी ओकेजन पे। सो रणवीर गायब है एंड मुझे मिल नहीं रहा है एंड मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही हूँ। लेकिन ऐसा फील हो रहा है आपको कि सुबह सुबह आप उठती हैं आपके सामने फूलों का गुलदस्ता सामने रखा हुआ पूरे घर में सजाया हुआ। और ये फीलिंग आई रियली फेल्ट स्पेशल बिकॉज ऐसा ड्रीम होता है हर एक लड़की की लाइफ में ड्रीम होता है कि तुम उठो एंड पूरा कमरा बुके से सजा हुआ है एंड शी नो फॉर ईशानी इट वॉज रियली रियली स्पेशल एंड चिराग से आई थिंक और भी प्यार में हो गई है इसके बाद बिकॉज एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड है जो उसको समझ में भी नहीं आ रहा, उसको डिसअपॉइंट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ चिराग है जिससे वो कुछ ही दिन हुए उससे मिले हुए एंड वो उसको हर रोज स्पेशल फील करा रहा है। सो ये है। चिराग ने आपको चिराग गिफ्ट दिया है? मैंने भी यही कहा था। यहाँ से चिराग ने मेरे को चिराग ही नहीं एक और ऐसे स्वीट सा कार्ड दिया है जिसमें ऐसे रोजेज रेड वायलेट सब ब्लू यू आर माइन आई लव यू एंड ऐसे ऐसे सारे वो लिखे हुए। इट्स रियली स्पेशल एंड इट्स रियली स्वीट एंड मेरी मॉम भी आके मुझे टीज करती है उसके बाद। वो देखती हैं क्या क्या हो रहा है आसपास एंड वो बहुत टीज करती है कि यू नो लड़का लड़की शादी से पहले बात नहीं कर सकते तो मुझे चिराग से बात भी नहीं करने देती है वो। सो ईशानी ऐसा तो नहीं है चिराग मतलब रणवीर आपसे इसलिए नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं वो नाखुश है इस रिश्ते से? मुझे ईशानी के हिसाब से आई डोंट थिंक ऐसा है बिकॉज एक दिन पहले ही ऐसा सीन गया है जहाँ पर रणवीर की गर्लफ्रेंड आती है एंड रणवीर उसे मानने के लिए मना कर देता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो अभी बहुत डिसअपॉइंटेड है ईशानी। वो बिलीव नहीं करे कि रणवीर जो भी उसे बोल रहा है वो सच है भी कि नहीं एंड उसको कुछ पता नहीं है कि रणवीर के माइंड में क्या चल रहा है। इसी तेज में नहीं बोल सकते। हाँ ओके ओके बाय ओके ओके।